स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 2.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं नाउ एक्सरसाइज 2.2 इज स्टार्ट तो 2.2 में क्या है वही रोमन नंबर ठीक है क्या लिखना है हमें हिंदू अरेबिक नंबर से किस में बदलना है उसको रोमन न्यूमेरल्स में यानी कि रोमन नंबर में तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 74 तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको सेपरेट कैसे करें तो 70 को क्या लिखें 50 प्लस 20 यानी कैसे करो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 हो गया चलो इसको बनाओ 50 का क्या था L क्या था 50 का L 10 का X इस 10 का X और 4 का IV बन गए उसके बाद सेकंड है 99 तो बेटा 99 को कैसे लिखेंगे 90 प्लस 9 सीधी बात है ना 90 प्लस 9 इज 99 तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप 90 को कैसे लिखेंगे तो 90 को कैसे लिखेंगे आई थिंक आपको ऐसे करना चाहिए 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ठीक है ना तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 का सिंबल क्या होता है सी क्या होता है सी अब आपको एक्स जो है 10 का सिंबल वो उसके राइट हैंड लगाओगे लेफ्ट हैंड बात तो यहाँ पे कंफ्यूजन की है अगर आप राइट हैंड लगाओगे तो ऐड होगा लेफ्ट हैंड लगाओगे तो मेरे बच्चों सब्ट्रैक्ट होगा तो नाउ सी तो 100 का हो गया अब इधर लगाया तो ऐड होगा इधर लगाया तो सब्ट्रैक्ट होगा हमें तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने एक्स लगाया बन गया 90 अब 9 का क्या होता है आई एक्स ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड 178 अब इसको देखो कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो हम 100 लिख लेते हैं ठीक है उसके बाद मैंने लिखा 50 50 देखो 150 150 तो हो गया बच गया कितना लेस 28 तो 20 को कैसे लिखें 10 + 10 + 8 ओके हो गया 78 100 का क्या होता है सी 50 का एल 10 का एक्स इस 10 का एक्स 8 का क्या होता है वी ट्रिपल आई हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 तो 4 में है मेरे बच्चों 101 101 तो आपको पता है भाई 100 सिंबल क्या होता है सी क्या होता है सी और सी के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 101 होगा चलो 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 का सिंबल सी और 1 का आई हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 5 में है मेरे बच्चों 110 110 अब वही बात फिर आ गई 110 सेपरेट कैसे करें तो आपको एक बात सोचनी चाहिए 100 + 10 हो गया 110 चलो 100 + 10 इज इक्वल टू 100 का सी होता है 10 का एक्स होता है बात हो गई ये भी चलो यहाँ पे मैं आपको ब्लैक बोर्ड को सेपरेट करके क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 145 अब इसको कैसे करें मेरे बच्चों अब अगर आप ऐसे करोगे 100 + 10 + 10 + 10 + 10 चार दस हो गए मतलब क्वेश्चन तो गलत हो चुका है तो ये तरीका तो काम आने वाला नहीं है अब हम क्या कर सकते हैं क्या करेंगे 100 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है हो गया 40 और 40 में 5 ऐड कर देंगे तो चलो इसको सेपरेट करते हैं 100 + 50 और 50 को कैसे लिखेंगे +40 और 40 को कैसे लिखेंगे 50 - 10 और प्लस क्या हो जाएगा 5 सेपरेट करना समझ आया चलो इसको बनाओ 100 का क्या होता है सी अब 40 कैसे आया मेरा 50 - 10 करके आया है तो 50 का कितना होता है एल होता है अब 10 का कितना होता है एक्स होता है लेकिन बात यहां आ गई एक्स यहां लिखे या यहां लिखे सब्ट्रैक्ट करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए हो गई बात +5 यानी कि
अब है आपका 796, 96, तो सबसे पहले बात तो ये आनी चाहिए 90 प्लस 6। तो अब ये बताओ 90 आप कैसे लिखोगे? 100 का होता है सी। अब सी में से मैं एक्स सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो एक्स को इधर लिखो या इधर, सब्ट्रैक्ट करना है ध्यान रखना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहां लिखेंगे, हो गया 90 प्लस 6 है तो वी आई। अब बचता है आपका 8th क्वेश्चन, 132। अब इसको सेपरेट मैं करती हूँ, सिंबल आप बनाएंगे, 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2, 100, 110, 120, 130 और 132 हो गया। अब इसको सेपरेट करने के बाद सिंबल आप खुद से लिखेंगे, वो मैं नहीं कराऊंगी। एच डब्ल्यू है आपका डू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट है 1, 1, 2, 8। ओके, इन फेयर नोटबुक एंड टेबल लर्न टू 7 to 10। ठीक है, मैंने सिर्फ आपके लिए छोटा सा काम छोड़ा है, वो आपको करना है, ठीक है ना। तो आज के इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।